पाकिस्तान और भारत के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते के बाद हाल ही में दोनों देशों के राजनीतिक और सैन्य नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं जिसने सीमा पर शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ने के संकेत दिए हैं। इफ देयर इज अ रोड मैप, यस वी विल टॉक। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि अगस्त 2019 में समाप्त किए गए कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे की बहाली से पहले भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाना कश्मीरियों के खून के साथ विश्वासघात होगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस समय दोनों देशों की कुछ आर्थिक और रणनीतिक वजह हैं जो इन्हें तनाव कम करने के लिए मजबूर कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि इन बयानों में नया कुछ भी नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों के रुख में कुछ नरमी जरूर आई है। जो बयान हाल के दिनों में दिए गए हैं उनमें सबसे अधिक चर्चा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच टूटे हुए विश्वास को बहाल करना पूरी तरह से पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच दशकों पुराने अविश्वास को रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। अगर वो यानी पाकिस्तान संघर्ष विराम का सम्मान करते हैं और भारत में आतंकवादियों को भेजना बंद कर देते हैं तो इनसे विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी पूरी तरह से पाकिस्तान पर है। भारत के साथ संबंध सामान्य बनाने पर पाकिस्तान कितना गंभीर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में 2013 से 2017 के बीच प्रवक्ता रहीं तस्नीम असलम ने बीबीसी को बताया कि भारत को विश्वास कायम करने के लिए कश्मीर और अफगानिस्तान में कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे ये संकेत मिले कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है। उनके अनुसार पहले दिन से ही पाकिस्तान का ये रुख रहा है कि भारत को पहले कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करना चाहिए, जो जाहिर है कि भारत नहीं करेगा। पूर्व राजनयिक शमशाद अहमद खान परवेज मुशर्रफ के साथ भारत के संबंध सुधारने के लिए कंपोजिट डायलॉग का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि दोनों देशों के सैन्य और नागरिक नेतृत्व के बयान एक नियमित खेल हैं और ये केवल दिखावे के लिए हैं। उनके अनुसार हर दौर में पाकिस्तान का तो यही पक्ष रहा है कि वह शांति चाहता है और युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। भारतीय सेना अध्यक्ष के बयान से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते के बाद अपने बयान में कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच मजबूत संबंध वह कुंजी है जिससे पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच संपर्क सुनिश्चित करते हुए दक्षिण और मध्य एशिया की क्षमताओं को अनलॉक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष की वजह से ये अवसर बंधक बना हुआ है, कश्मीर विवाद स्पष्ट रूप से इस मुद्दे का केंद्र है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस बयान के बाद पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने संघीय मंत्रिमंडल को भारत के साथ व्यापार से संबंधित एक समरी भेजी थी, लेकिन इमरान खान की अध्यक्षता में इसे खारिज कर दिया गया। साथ ही इस मुद्दे को भारत की तरफ से कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को बहाल करने से जोड़ दिया गया। पाकिस्तान के रक्षा मामलों की विश्लेषक आयशा सिद्दीकी ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को यही उम्मीद थी कि जब पाकिस्तान संबंधों में सुधार की पेशकश करेगा तो भारत भी इसके जवाब में कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली की घोषणा करेगा। उनके अनुसार जब ये संभव नहीं हुआ तो भारत के साथ व्यापार पर पेश की गई समरी को अस्वीकार कर दिया गया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की पूर्व प्रवक्ता तस्नीम असलम के अनुसार नीति सेना प्रमुख नहीं बनाते हैं और जो बयान राजनेताओं के होते हैं वही नीति होती है, और प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान में कहीं कोई विरोधाभास दिखाई नहीं देता है। LOC पर संघर्ष विराम समझौते के बारे में उन्होंने कहा कि 1.5 साल से दोनों देशों में उच्चायुक्त न होने के बावजूद कुछ समझौते ऐसे हैं जिन पर अमल किया जा रहा है। शमशाद अहमद खान के मुताबिक भारत जानता है कि इससे पहले कि अमेरिका बातचीत के लिए दबाव डाले उसे ये साबित करना है कि वो पहले से ही पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। उनके अनुसार जहां तक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पाकिस्तान पर दबाव बनाने का सवाल है तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों देश संबंध सुधारने की बात जरूर कर रहे हैं लेकिन दबाव नहीं बना रहे हैं। तस्नीम असलम के अनुसार इस समय सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए आर्थिक हित महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ समय से ये देश हर जगह मुसलमानों के सामने आने वाली समस्याओं से हटकर दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जैसे कि फलस्तीन के मुद्दे पर दृष्टिकोण में बदलाव आया है। हालांकि पाकिस्तान को अपने हितों के आधार पर ही निर्णय लेना है। आयशा सिद्दीकी के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान का फोकस अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर भी है और फिर भारत और पाकिस्तान दोनों ही LOC पर फायरिंग और फिजूल खर्च से थक चुके हैं। उनके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था भी कोरोना महामारी के कारण दबाव में है और वो कुछ समय के लिए संबंधों को सामान्य रखना चाहते हैं। यही स्थिति सीमा के इस तरफ भी है जहाँ पाकिस्तान को भी कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
2010 में भारत प्रशासित कश्मीर में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार की मध्यस्थ रही प्रोफेसर राधा कुमार कहती हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि संघर्ष विराम को राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी कमांडरों ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है। वो हमेशा ही स्पष्ट रहे हैं कि सेना हिंसा को कम या नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसके बाद राजनेताओं को एक समाधान खोजने के लिए कदम उठाने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि सेना अपने नजरिए को दोहरा रही है। राधा कुमार का मानना है कि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के प्रयासों के बाद भारत की सकारात्मक प्रक्रिया का एक कारण ये भी हो सकता है। हालांकि वो कहती हैं कि भारत अभी तक शांति प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सरकार ने सार्वजनिक रूप से संघर्ष विराम को भी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन क्या कश्मीर में मौजूदा हालात बने रहेंगे या भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे? इस पर उन्होंने भारत सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे मैं कहूं कि सरकार शांति प्रक्रिया के लिए कोई तैयारी कर रही है। पाकिस्तान को सकारात्मक जवाब देने के लिए भारत को राजी किया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े मुद्दे पर बातचीत होगी। हमें सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि संघर्ष विराम आगे किसी अन्य प्रक्रिया का कारण बनेगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कोशिश करेंगे, क्योंकि ये करना एक स्पष्ट प्रक्रिया है।